मध्य प्रदेश में आई भीषण बाढ़ पर सियासत शुरू हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में दौरे और सरकार पर लगाए गए आरोप पर सीएम शिवराज ने पलटवार किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कमलनाथ के दौरे पर मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन कांग्रेस जैसा व्यवहार कर रही है वो सही नहीं है। सीएम शिवराज ने कहा कि गुना में कलेक्टर एसपी रेस्क्यू में लगे थे और सीएम खुद रेस्क्यू का अपडेट ले रहे हैं और कांग्रेस नेता वहां कह रहे हैं कि कलेक्टर एसपी ज्ञापन ले। उन्होंने कहा कि अब कलेक्टर एसपी ज्ञापन ले या लोगों की जान बचाए, कांग्रेस सिर्फ आरोपों की झड़ी लगा रही है। सीएम ने कहा कि कांग्रेस दिन भर बैठकर ट्वीट कर रही है। वहीं सीएम शिवराज ने कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि जब वे सीएम थे तब एक हफ्ते तक वो बाढ़ देखने नहीं गए थे। सीएम ने कहा कि वे धरने पर बैठे तब कहीं कमलनाथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में गए थे। मुझे दौरे पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कांग्रेस जैसी जिस ढंग का व्यवहार कर रही है, अब कल गुना जिले में कलेक्टर एसपी पूरा प्रशासन मेरे मंत्री और मैं स्वयं रात भर कुछ स्थानों पर जहां रेस्क्यू ऑपरेशन जरूरी थे, गुना जिले में, अशोकनगर जिले में, विदिशा जिले में हम लोग रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे थे ताकि गरीब सुरक्षित निकाले जा सके, आम आदमी सुरक्षित निकाला जा सके, जनता सुरक्षित निकाली जा सके। और कांग्रेस केवल आरोपों की झड़ी लगा रही है, ट्वीट करते रहते हैं दिन भर बस, और वहां जिद कर रहे हैं गुना में कलेक्टर एसपी बचा रहे हैं लोगों को, और वहां यह कहा जा रहा कि नहीं कलेक्टर आके ज्ञापन ले। अब ज्ञापन लें कि लोगों को बचाए। जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे तो उनके मंत्रिमंडल के भी, मंदसौर जिले में बाढ़ आई थी, मंत्री भी, प्रभारी मंत्री भी एक सप्ताह तक नहीं गए थे वहां। जब मैंने जाके दो दिन ना लगातार बाढ़ के बाद, बाढ़ उतरने के बाद धरना देके ध्यान आकर्षित किया, उसके बाद कहीं पहुंचे।